गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज का रिवीजन दिया था लर्न करने को। अभी मैं उसके बाद आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को रिवीजन करा रहा हूँ। जिन्होंने फर्स्ट टाइम में अगर नहीं किए हो तो आप ज़रूर अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को कम्प्लीट कर लेना, और इटको मैं कल आपसे सुनूंगा, ठीक है। तो देखो बोर्ड पर सब आपके जो आंसर नंबर 1 से लेकर आंसर नंबर 5 तक लिख रहे हैं। मैं क्वेश्चंस बुक में से पढ़ रहा हूँ, तो क्वेश्चंस आप बुक में से देखोगे। हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब उनके नेम पूछे कौन कौन से होते हैं, तो देखो सबसे पहले आइज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज। तो सेंस ऑर्गन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5। ये याद रखना है आपको, कौन कौन से होते हैं? आइज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो हैंड्स, लेग्स, माउथ, नोज, आइज, ईयर्स। ये सब इंटरनल तो नहीं है? इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते? अब जिन जिन को हम देख सकते हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स को, वो कौन से पार्ट्स हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स। हम अपने हैंड्स को देख सकते हैं, लेग्स को देख सकते हैं, माउथ को देख सकते हैं, नोज को, आईज को, ईयर्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईयर्स ऑफ अवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ईयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, ठीक है। ठीक है, तो ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। यानी कि अलग अलग साउंड्स जो हमारे चारों तरफ, इट मीन्स जो भी आवाज़ होती है हमें किससे पता चलता है? ईयर्स से ही पता चलता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट साउंड्स का मतलब है किसी अलग अलग तरह के जो भी साउंड्स हैं, इट मीन्स कोई भी आवाज़ हमारे आसपास होती है तो हमें किससे पता चलती है? ईयर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर हैंड्स। हैंड्स का हमारा मेन फंक्शन क्या है? तो हैंड्स हेल्प अस इन डूइंग मैनी थिंग्स। यानी हमारे जो हैंड्स हैं वो बहुत सारे यूज में काम आता है, जैसे कि लाइक ईटिंग, खाना खाने में, होल्डिंग, राइटिंग एसेट्रा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अवर लेग्स। अब यहाँ हैंड्स के बाद क्या है? लेग्स। तो लेग्स से क्या कर सकते हैं? हम मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनादर। तो आंसर देखो, लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आज आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन कराया। अब आपको कल चैप्टर नंबर फर्स्ट के पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन मैं तभी कराऊंगा जब आप मुझे ओरली उनको सुना दोगे, ठीक है। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट में कोई किसी में डाउट है तो बताओ।